ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस जिसमें सीजीआई ने देश में इमरजेंसी जैसे हालात बताए हैं। देश में कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सीजीआई ने कहा कि हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर आपदा से निपटने के लिए किए जा रहे युद्ध स्तरीय उपायों पर जानकारी मांगी है। अब कल शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। केंद्र सरकार अपनी त्वरित योजना के साथ कोर्ट में जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई, दवा की उपलब्धता और वैक्सीनेशन को लेकर नेशनल प्लान और अर्जेंट एक्शन प्लान की जरूरत है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ डिटेल में कहा गया है इस ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा? संजय, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में साफ कहा है कि ये अभी नेशनल इमरजेंसी का मामला ऐसा लग रहा है। सुनवाई चल रही थी इस मामले में, वेदांता मामले को लेकर, जिसमें तूतीकोरिन में उनका ऑक्सीजन प्लांट है, जिसमें वो कह रहे थे कि उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए और 24 घंटे उसको काम करने के लिए उनको परमिशन की जरूरत है। बात इस पर हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर यह कहा कि वो इस पर सुओ मोटो ले रहा है, और सुओ मोटो लेते हुए कोर्ट ने हरीश साल्वे को इस मामले में कोर्ट का सलाहकार यानी अमाइकस क्यूरे नियुक्त किया है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे कहा कि 24 घंटे में वो जवाब दाखिल करे। कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा और इस मामले में केंद्र सरकार अपनी त्वरित योजना के साथ उपस्थित होगी और वो बताएगी कि आखिर उसके पास क्या एक्शन प्लान है, कैसे पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी या फिर जो वैक्सीनेशन प्लान चल रहा है उसको लेकर, बाकी अन्य उपायों को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, उस बारे में कोर्ट को बताया जाएगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की स्थिति पर, और उससे पार पाने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है इसके बारे में भी जानकारी मांगी है। जवाब कब तक मांगा गया है संजय? इस पूरे मामले में जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया है कोर्ट ने, पूछा है कि क्या तैयारियां हैं? कल शुक्रवार को सुनवाई शुरू होने के पहले केंद्र सरकार आपको अपने जवाब के साथ हाजिर रहना पड़ेगा और कोर्ट के तमाम सवालों का जवाब देना होगा। कोर्ट बहुत सारी ऐसी चीजें पूछेगी जो योजनाएं केंद्र सरकार बनाई बताएगी। कोर्ट उसमें सभी चीजों पर क्लैरिफिकेशन चाहेगा कि आखिर इस योजना के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए, इस पर एक्शन लेने के लिए इनके पास उपाय क्या है, क्या इंतजाम है। सिर्फ योजनाएं नहीं, योजनाओं के साथ एक्शन प्लान क्या है उस पर भी कोर्ट सरकार से जवाब चाहेगा, और ये चाहेगा कि जो सरकार एक्शन प्लान बता रही है उसका सही सही अमल हो, कैसे अमल होगा, कैसे उस पर सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें कल साफ हो जाएंगी। देश में इमरजेंसी जैसे हालात, ये सीजीआई का ऑब्जर्वेशन है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी, क्योंकि ये इमरजेंसी हालात एक दिन के तो है नहीं, बीते कई दिन से चले आ रहे हैं। ऐसे में एक्शन प्लान जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पर अब केंद्र सरकार को जवाब देना है, और साथ ही सिलेंडर्स की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी जिस पर लगातार कोर्ट सख्त से सख्त टिप्पणी दे रहा है, उस पर भी जवाब दे। जी हाँ बिल्कुल, चार चीजों पर केंद्र सरकार जवाब देगी। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई और उत्पादन को लेकर, दूसरे कोविड पेशेंट्स के नियमन और उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसको लेकर, तीसरा ये कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का क्या प्रोग्राम है, कैसे इसको जल्दी से जल्दी तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, और चौथा ये कि लॉकडाउन या बाकी अन्य उपायों को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। इन चार चीजों पर केंद्र सरकार को जवाब देना है, और सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित सरकार की योजनाओं पर और भी काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर इस पे, इस योजना पर अमल के लिए उनके पास उपाय क्या है। एक एक चीज साफ करने की योजना है, यानी यहाँ पर कोर्ट सारी चीजें सरकार से ये भी जानेगा योजना क्या है और उपाय क्या है इसके लिए, अमल कैसे करेगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संजय शर्मा हमारे संवाददाता डिटेल में जानकारी देते हुए कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। बहरहाल दिल्ली में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, लेकिन सवाल यही कि सांसों का संकट कैसे जिंदगी पर भारी पड़ गया है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की ऑक्सीजन रिपोर्ट दी, जिसमें अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंची तो है लेकिन हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि
जैसे जैसे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था, यह कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतना किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहां पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो जो दिक्कतें आ रही थी हम लगातार पिछले 2 दिन से एक एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है जब GTB हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, GTB ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत वहाँ पे बात करके उस ट्रक को वहाँ से छुड़वाया। हम लगातार संपर्क में हैं, एक एक ट्रक को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, सोई नहीं है। हाईकोर्ट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना की मार के बीच ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम है। अस्पतालों के ऑक्सीजन खत्म हो रही है, हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद हालात सुधरते नहीं दिखाई दे रहे हैं और इस बीच कोरोना की वजह से एक एक करके लोग अपनों को खोते जा रहे हैं। मरीजों का इलाज छोड़िए, अस्पताल उन्हें भर्ती तक नहीं कर रहे। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। फटकार के बाद केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई, इसके बावजूद कई अस्पतालों में देर रात ऑक्सीजन खत्म हो गया और जैसे तैसे उनका इंतजाम किया गया। हेल्थ सिस्टम के इस बदहाली के बीच कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने दिल्ली NCR में कोहराम मचा रखा है। इनमें 72 साल के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार वालिया भी शामिल हैं। शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके वालिया ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रात 1:30 बजे अंतिम सांस ली। कोरोना से पीड़ित डॉक्टर वालिया 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर वालिया के निधन पर सभी दलों के नेताओं ने शोक जताया है।
दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अशोक वालिया जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। उन्होंने दिल्ली में सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कोरोना की वजह से अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। येचुरी ने ट्वीट कर बताया, भारी दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मैंने कोविड-19 की वजह से आज सुबह अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें उम्मीद दी और उसका इलाज किया। डॉक्टर, नर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स और तमाम लोग जो हमारे साथ खड़े रहे। इस बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों की जान पर संकट जारी है। दिल्ली NCR में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां मरीजों का इलाज करना तो दूर, उन्हें एडमिट तक नहीं किया जा रहा है। जनकपुरी के माता चंदन देवी अस्पताल में आज सुबह ऑक्सीजन खत्म हो गया। यहां 200 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। अस्पताल लगातार अधिकारियों और कंपनियों से बात कर रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ में राठी अस्पताल को बड़ी मुश्किलों के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, यहां ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। वहीं दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जहां 900 मरीज भर्ती हैं, वहां ऑक्सीजन का गंभीर संकट है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने ये भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। कोर्ट से मिली फटकार के बाद केंद्र सरकार जागी और दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया से होने लगी है। इस वक्त हम लोग मैक्स पटपड़गंज पर हैं, यहाँ पर भी चंद घंटों की ऑक्सीजन बची थी और कोविड के मरीजों के लिए जो सबसे जरूरी चीज इस वक्त है वो ऑक्सीजन है और इसकी सप्लाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास के इलाकों के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से अब की जा रही है। तमाम अस्पतालों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि चंद घंटों की ऑक्सीजन बची है और अब ऑक्सीजन की सप्लाई इन अस्पतालों में धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। केंद्र ने दिल्ली को मिल रही 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया है, लेकिन बंगाल, उड़ीसा और यूपी से इस अतिरिक्त ऑक्सीजन को आने में 72 घंटे लग जाएंगे। ऑक्सीजन की इस किल्लत के बीच कुछ अस्पतालों का रवैया अब भी मरीजों की जान ले रहा है। संदीप अपनी सासू माँ को एम्बुलेंस में लेकर भटकते रहे। पहले दिल्ली के अस्पतालों में गए, जगह नहीं मिली तो गाजियाबाद पहुंचे। यहां प्राइवेट अस्पताल ने कोरोना की रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट न होने की वजह से जिला अस्पताल का रुख किया, लेकिन तब तक उनकी सासू माँ ने दम तोड़ दिया। उन्होंने तो भेज दिया, उन्होंने तो बोला पहले रिपोर्ट करा के लाओ कोरोना की। जब कोरोना का मरीज है तो कोरोना का रिपोर्ट लाने की जरूरत क्या, कोरोना है ही है उनको तो है। अच्छा, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर लाके हमारे को रिपोर्ट कराने के लिए यहाँ आना पड़ा। उतनी देर में यहाँ 2 घंटे यहाँ हमारे को वेटिंग हो गई, उसमें डेथ हो गई उनकी सांस। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया जो अब भी जारी है। दिल्ली में पंकज जैन और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन के लिए हर कोई गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, पूरी कमाई सौंपने को तैयार है, लेकिन ना ऑक्सीजन अवेलेबल है और ना दवा। शहर शहर से हमारे संवाददाता ऑपरेशन ऑक्सीजन पर निकले, जहां दिखी सिर्फ बेबसी, दर्द और मायूसी। उनको अभी 2 दिन हुआ है समय से ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एंड टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग, व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, हम रोड पे ऑक्सीजन लाएंगे, कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? हमारा पेशेंट होम क्वारंटाइन है, मेरे दोस्त की मिसिज है, उसके लिए मैं सिलेंडर का अरेंजमेंट देख रहा हूँ घर के लिए। सिलेंडर अवेलेबल कहीं नहीं है, क्या करे, तंत्र ही कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बाजू बोल रहे कोरोना है, कोरोना कोरोना से बचा, अभी इतना से रात के 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे, रात के 3 बजे से। इनकी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज से हुई है, इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ना इन्होंने किसी को अवगत कराया। खाली मेरी मदद नहीं, यहाँ पर 4-5 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। आज कितनी डेथ? ICU में 3-4 लोग डेथ पड़े हुए हैं। बिल्कुल, मना कर दिया, मैंने बोला आप ऑक्सीजन दे दीजिए प्लीज, हमें बेड नहीं चाहिए, ऑक्सीजन कम से कम दे दीजिए ताकि मरीज की जान बच जाए, बाकी टेस्ट तो बाद में हो जाएंगे।
बेटी हमारी है अवतार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ऑक्सीजन पे चल रही है, उसका लेवल घटता चला जा रहा है, कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए सिलेंडर नहीं मिला उसको तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, अब कह दिया गया सिलेंडर यहाँ पर नहीं, आप बताइए नहीं मिलेगा हमारा बच्चा बचेगा कि मर जाएगा। दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो सामने नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा इलाके में, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर कितनी लंबी लंबी लाइनें जो है वो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है, कई मीटर तक ये जो लाइन है वो पहुंची हुई है। लोगों के हाथों में गैस सिलेंडर है ताकि इस उम्मीद के साथ पहुंच रहे कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो उनको मिल जाए, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं, और ऐसे में जिन लोगों को ऑक्सीजन सेचुरेशन लगातार गिर रहा है उनके लिए मुसीबतें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर गैस एजेंसी के पास जो है वो पहुंचे। कई एजेंसियां ऐसी हैं जो कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ एजेंसियां चालू हैं जहां पर अब लंबी लंबी कतारें जो है वो फिलहाल जो है वो लगी हुई है। कई अगर कहा जाए तो लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि अपना नंबर आए कि वो अपने सिलेंडर जो है वो भर लें ताकि घरों में ले जाए जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे साथ गैस एजेंसी के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि सर कब से आप सुबह से यहाँ पर लाइनें जो है वो लगी हुई है, कितना लोग यहाँ? 9 बजे से 9:30 बजे से लाइन लग गई थी। सबको हम यही कह रहे हैं आप अपना सिलेंडर ले आओ, रिफिल हो जाएगा, लेकिन ये सब डिमांड कर रहे हैं बड़े सिलेंडर की। अगर हमने सबको एक साथ बड़े सिलेंडर दे दिए तो मैं कल क्या करूंगा? एक बड़ा सिलेंडर अगर मैं घर में चला जाएगा तो 3 लोगों की नीड खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है आप सिलेंडर अरेंज करो, भरूंगा मैं। यहाँ रेगुलर गैस मिल रही है, पिछले 5 दिन से मैं काम कर रहा हूँ। सिर्फ अपना सिलेंडर अरेंज करो, बड़े के पीछे मत भागो और पैनिक मत हो, और अपने घर में सिलेंडर इकट्ठे मत करो। और गैस जो है वो आपके पास आज सुबह पहुंची है, और कितना आप सप्लाई? सुबह मेरे पास करीब 50 से 55 सिलेंडर आए थे, और अब इस टाइम मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10 से 5 सिलेंडर बचे हुए हैं, जो भी मैं सब देकर जाऊंगा, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर में पैनिक होकर सिलेंडर का स्टॉक मत करो। 24 घंटे में हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा नए कोविड के केसेस सामने आ गए हैं, 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज विश्व भर में सबसे ज्यादा आंकड़े हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान को सिर्फ 17 दिन लगे 1 लाख से 3 लाख कोविड केसेस में पहुंचने तक। ऐश्वर्या पालीवाल आज तक के लिए नई दिल्ली से, कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ। हम लोग मायापुरी में मौजूद हैं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं, और ये तमाम जो आप सिलेंडर देख रहे हैं लेके लोग पहुंचे हुए रिफिल कराने के लिए। पूरी लंबी लाइन यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आप देख रहे हैं लगी हुई है, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ से आए? सर करमपुरा से आए हैं, पेशेंट गाड़ी में बैठा हुआ है, सुबह 5 बजे से चक्कर काट रहे हैं, कई जगह नहीं, नोएडा तक मैं घूमा है, कोई हॉस्पिटल कोई नहीं, कुछ नहीं है। किसकी तबीयत खराब? पिताजी की तबीयत खराब है। तो हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो बेड बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, क्या करें? सरकार बोल रही है सब चीजें हैं, सब चीजें कहाँ है? दिल्ली के भी हॉस्पिटल सब जगह सर, मैं कह रहा हूँ मैं सुबह से 50 हॉस्पिटल घूमती हूँ, फोन कर लिए, सब कर लिए, कुछ नहीं मिल रहा सर, कुछ नहीं मिल रहा। पेशेंट गाड़ी में बिना ऑक्सीजन के बैठा हुआ है, अब ये नहीं पता कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो क्या होगा। ये तकलीफ है लोगों की, आम लोगों की जो समस्याएं यहाँ पर लोग झेल रहे हैं। आप देखिए इनके पिताजी बीमार हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, सिलेंडर लेके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, आप कहाँ से आए हुए? ये मायापुरी से आए। मायापुरी से आए, किसके लिए ऑक्सीजन लेने आए? ये दोस्त की मम्मी है, उनको पॉजिटिव आई है, उनको घर पे इलाज करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं जो घर पे क्वारंटीन है, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वो रख रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से उसका उपयोग किया जाए। पहले तो बेड नहीं, फिर दवा नहीं, फिर ऑक्सीजन भी नहीं, फिर वेंटिलेटर नहीं। ये लापरवाही का वो सरकारी चक्र है जो सोते सिस्टम की देन है। बाकी कुछ और शहरों का हाल देखिए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अहमदाबाद शहर के ज्यादातर अस्पताल फुल हो चुके हैं। वैसे में जो 1200 बेड का स्पेशल कोविड अस्पताल है वहां पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है, कम से कम 50 से ज्यादा एम्बुलेंस की लाइन है। हर एक एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है जिसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर से ही, और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ही ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर अब बेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मरीज है, मरीज को इसी एम्बुलेंस के अंदर अभी फिलहाल ऑक्सीजन दिया जा रहा है, सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है। रात को करीब यहाँ पे
तीन बजे से ये लोग खड़े हुए हैं और तीन बजे से लगातार उनको यहाँ से ट्रीटमेंट दी जा रही है। उन्हीं से बात करते हैं, कितने बजे से आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं? रात एक बजे से खड़े हैं। एक बजे से और अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं आया। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे मरीज की हालत जो है, जो कंडीशन है वो बेहद खराब है। उन्हें यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जो उनके साथ उनके रिलेटिव्स हैं वो लगातार उनके साथ है। रात को एक बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक एम्बुलेंस में नंबर नहीं आया। शहर के ज्यादातर अस्पतालों का यही हाल है, ना तो ऑक्सीजन मिल पा रही है पूरी मात्रा में और ना ही जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पे ट्रीटमेंट लोगों को मिल रही है। तो जिसके चलते जो ये सरकारी गवर्नमेंट 1200 बेड का अस्पताल है, यहीं पे लोगों को एडमिट होना पड़ रहा है। एम्बुलेंस के लिए भी सात सात आठ आठ घंटों का वेटिंग चल रहा है। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत देखी जा रही थी, मगर अब युद्ध स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम जो अस्पताल हैं, चाहे सरकारी हो या निजी, उन सबको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराए जाए। इस वक्त हम पटना के एक ऑक्सीजन प्लांट पर मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे 2400 घंटे यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है ऑक्सीजन भरने का जो है वो काम चल रहा है और लगातार यहाँ खाली सिलेंडर्स उतारे जा रहे हैं और वापस इन्हें भर के जो है अस्पतालों में जो है वो पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रिफिलिंग चल रही है। ये नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए यहाँ पर जो है वो रिफिलिंग का काम चल रहा है, क्योंकि अभी पटना में वो एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है और ऐसे में हर घंटे NMCH में तकरीबन 60 से 70 सिलेंडर की आवश्यकता हो पड़ रही है, जिसको यहाँ पर अब पूरा करने की कोशिश की जा रही है। विनोद कुमार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि इस प्लांट के मैनेजर हैं। विनोद जी, सबसे ज़्यादा खपत कहाँ पे देखी जा रही है? NMCH में सबसे ज़्यादा खपत देखी जा रही है, वहाँ 50 से 60 सिलेंडर पर घंटे चाहिए। वहाँ लखनऊ के कई अस्पतालों में साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि गैस नहीं है इसलिए हम इलाज नहीं दे सकते। बेड की समस्या पहले से थी, ऑक्सीजन की समस्या होने से वहां जो भर्ती मरीज हैं उनके लिए मुश्किल ज्यादा बड़ी हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के आउटर में बख्शी का तालाब के पास ये गैस फिलिंग सेंटर है, जहां पर प्लांट है बकायदा और अच्छी खासी कैपेसिटी है, लेकिन आप देख सकते हैं लगातार यहां पर जो लाइनें लगी हैं सिलेंडर्स की, वो सारे खाली सिलेंडर रखे हुए हैं, क्योंकि यहां प्लांट में गैस खत्म हो चुकी है और इनका कहना है कि यहां सप्लाई नहीं आ रही है और सप्लाई जब तक नहीं आएगी किसी को गैस नहीं दी जा सकती। यहां बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कितने घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए आप लोग कितने देर से यहां पर हैं? यहां पे हम लगभग सुबह 6 बजे से हैं। क्या कह रहे हैं गैस को लेकर? गैस अभी आई नहीं है और गैस खत्म हो चुकी है। आप बताइए कितने देर से? अभी तो हमारा नंबर तो रात का था, लेकिन सुबह भी हो गई, अभी कोई गैस मिलने की उम्मीद नहीं। गैस खत्म हो गई है, कब तक मिलने की उम्मीद? बोले हैं शाम तक उम्मीद करिए, कल तक उम्मीद करिए। अभी आपका पेशेंट जो है एडमिट है कहीं पर? हाँ, एडमिट है हॉस्पिटल में, यही मड़ियाओ के पास में एडमिट है। उसको 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है बस। अस्पताल ने कह दिया है कि गैस खुद लेकर के आओ। वो खुद बोल रहे हैं कि आप लेके आइए तभी इलाज हो सकता है। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जब तक आप ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक हम आपके मरीज का इलाज नहीं करेंगे। ये और हम लोग ऑक्सीजन कहाँ लेने जाए? महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते आज शाम से बेहद ही कड़े नियम लागू हो जाएंगे। ये एक तरीके का मिनी लॉकडाउन ही होगा। सबसे पहले तो अब आप इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी बिना वजह ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत ही बड़ी इमरजेंसी होगी या फिर कोई अंतिम संस्कार करना होगा तब ही आप इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। और इस इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग में भी आप पर जो है होम क्वारंटीन का 14 दिन का स्टैम्प लग जाएगा। शादियों के लिए सिर्फ 25 लोग जो है वो उपस्थित रह सकते हैं, एक सिंगल हॉल होना पड़ेगा, लेकिन सारी की सारी विधि आपको 2 घंटे के भीतर ही खत्म करनी है। अगर कोई भी रूल्स फ्लॉट करते हैं तो 50,000 का जुर्माना लग जाएगा। कोई भी इंसान बेवजह घर से बाहर दिखेगा तो 10,000 तक का भी जुर्माना लग सकता है। तो ये बहुत ही कड़े नियम है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए अब जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 15% ही कर दी गई है। अगर कोई इमरजेंसी ऑफिस है तो वहाँ की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे अहम बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज़रूर अगर कोई इमरजेंसी होगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कई सारे नियम लेने के बाद भी जो है जो
ब्रेक द चेन यानी कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, इसलिए ये कड़े नियम लागू होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ बख्ता, नया मुंबई आज तक।